साल की शुरुआत से ही हमारे चैनल ने शासकीय स्कूल चल रहे हैं अतिथि शिक्षकों के भरोसे शिक्षक खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसके बाद पूरे शिक्षा विभाग एवं प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इस कड़ी में सोमवार को सिवनी मालवा SDM रविशंकर राय एवं नायब तहसीलदार के द्वारा भिलाड़िया कला और खपरिया शासकीय स्कूल में आंगनबाड़ी का औचक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण में SDM ने आंगनबाड़ी एवं शासकीय स्कूलों को देखा तो पाया कि स्कूलों में दर्ज संख्या के हिसाब से बच्चे बहुत कम दिखे। योजना मिड डे मील में मिलने वाला भोजन भी मेनू के हिसाब से नहीं था। उपस्थित रजिस्टर एवं रिकॉर्ड रजिस्टर की भी जांच की गई। अनियमितता पाए जाने पर शिक्षकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जमकर फटकार लगाई गई है। आपको बता दें कि जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, आओ स्कूल चले हम जैसी योजनाओं में सशक्त क्रियान्वयन के लिए हमारी टीम की ओर से स्कूलों की खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया गया था। इसी कड़ी में यह कार्रवाई मानी जा रही है। SDM रविशंकर राय ने बताया कि अब हफ्ते के टाइम टेबल में 2 से 3 दिन ऐसे ही निरंतर सिवनी मालवा के समस्त स्कूलों एवं आंगनबाड़ियों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। आज आपने आंगनबाड़ी और शासकीय स्कूल का औचक निरीक्षण किया, क्या पाया? आंगनबाड़ी और स्कूल से कुछ, एक तो समय से नहीं खुलने की शिकायत मिल रही थी और मध्यान्ह भोजन में भी मेनू के अनुसार खाना, तो अभी जहाँ जहाँ हम गए हैं वहाँ पर उपस्थिति तो शिक्षक लोगों की रही है, छात्र की उपस्थिति उतनी नहीं है जितना होने चाहिए। तो हमने निर्देशित किया कि पालक शिक्षक संघ की बैठक करके उपस्थिति बढ़ाने का काम करें। मध्याह्न भोजन सभी जगह बनते हुए मिला है, परंतु ये जरूर पाई गई है कि मेनू के अनुसार नहीं बन रहा है। तो अभी हमने निर्देशित किया प्रभारी को कि मेनू के अनुसार बनाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आगे ऐसी मिलती है तो उस पर कार्रवाई करी जाएगी और धीरे धीरे ऐसे हम लोग प्रयास करेंगे तो सुधार होगा। इस प्रकार के औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे? बिल्कुल, ऐसे औचक निरीक्षण इसमें आगे भी हम लोग करते रहेंगे, कोशिश करेंगे। सप्ताह में हम 2 दिन तो समय निकाल के जाएंगे।